Hello, good evening students. How are you? Hope all of you are doing well. Myself Bhavani Singh Jadhav, the faculty of biology in EVS and IRY welcome all of you on Exampo Teaching School. तो स्वागत है आप सभी का Exampo Teaching School की रात के सेशन में जो कि है सुपर टेट DSSSB जैसे एग्जामों के लिए मस्ट. तो एक बार जरा बता दिए आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं ताकि आज का सेशन स्टार्ट किया जा सके. गुड इवनिंग गोरखपुर वालों की तरफ से ले लिया, जम्मू कश्मीर से भी ले लिया, गोरखपुर से भी ले लिया, सब जगह से ले लिया. आई एम फाइन सेथ. तो एक बार सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाए. ले लिया जम्मू कश्मीर से भी ले लिया, गोरखपुर से भी ले लिया. आज पंखे वंखे नहीं चल रहे क्या? चलिए अर्चना, आज चोट लग गई मेरे. ठीक है, चोट को सही करो. मंगल ग्रह से ले लिया बेटा, सभी जगह से ले लिया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये पूछता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली. साइलेंट वैली आपका नेशनल पार्क 1986 में घोषित किया गया था, और ये साइलेंट वैली कहाँ है? ठीक है, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में. अयो अप्पा अंडरे नंडरे, मेरा भी प्रणाम ले लो, लगे हाथ ले लिया. ठीक है, तो साइलेंट वैली, ठीक है, जो कि आपका नेशनल पार्क घोषित किया गया था किस सन में? 1986 में, 1986 में. ठीक है, ये आपका बेसिकली कहां स्थित है? दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का उत्तर है सी, केरल में. ठीक है, और आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स आपका कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में, चमोली यूके में. ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी. नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? ठीक है, पृथ्वी पे सबसे गर्म, ठीक है, आपका 1985 में मेरी किताब में 86 लिखा, हो सकता है एक आध साल ऊपर नीचे कर दियो, वैसे भी पब्लिकेशन वाले ऊपर नीचे करते रहते, किसी बुक में कुछ और, किसी बुक में कुछ और. ठीक है, तो हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? व्हाट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? ठीक है, तो वेदर इट इज एशिया, वेदर इट इज अफ्रीका, वेदर इट इज यूरोप, और वेदर इट इज साउथ अमेरिका. तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड का क्या है? दैट इज अफ्रीका. ठीक है, वेरी गुड, तो अफ्रीका आपका यहाँ आपका क्या है? बेसिकली गर्म महाद्वीप है. सीधी सी बात है, इक्वेटर आपका पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली. ठीक है, तो ये आपका इक्वेटर पे आपकी सनरेज कैसी गिरती है? सीधी गिरती है, परपेंडिकुलर गिरती है, लंबवत गिरती है. तो ये आपका क्या है? हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट में से एक है, तो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट थिंग इज, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर विद थ्री कंट्रीज, नेपाल, भूटान, चाइना रेस्पेक्टिवली. किस भारतीय राज्य की सीमा क्रमश है तीन देश, नेपाल, भूटान, चीन से लगती है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तीनों रेखा अफ्रीका से गुजरती है. हाँ बिल्कुल, तीनों रेखा गुजरती है. तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए क्लास को. ठीक है, तो विच इंडियन स्टेट बॉर्डर विद थ्री कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना? जल्दी बताएं.
सिक्किम पक्का सोच लो, गलत कर रहे हो, सोच लो सारे के सारे लोग। गलत तो नहीं कर रहे? चलो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, सिक्किम। ठीक है, तो विच इंडियन स्टेट बॉर्डर थ्री कंट्रीज नेपाल भूटान एंड चाइना रेस्पेक्टिवली? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम आपका बॉर्डर कर रहा है तीनों कंट्री को, नेपाल भूटान। देखा देखा, यही होता है, थोड़ा सा तुम्हें वो टच करो और तुरंत आपका ऑप्शन बदल जाता बहुत सारे लोगों का। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तुरंत बदल लिया मेघालय। चलो, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, सिक्किम। और अगर ये क्वेश्चन होता कि कौन से राज्य आपका तीन कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, चीन और भूटान की बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होता? क्या गुरु आप गलत करवा रहे थे? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता कौन सा वो राज्य है, ठीक है, जो आपकी तीन कंट्रीज म्यांमार, चीन और भूटान की राजधानी को शेयर करता है, तब आंसर क्या होता? आप ही ने बताया था। हाँ उमा शुक्ला, मैंने ही बताया था, मैं ही सारी गलत चीजें मैं बताता हूँ, सारी सही चीजें तुम लोग बताते हो। ठीक है, बताइए। तो वेरी गुड, तब आपका आंसर हो जाता क्या, इन तीनों से बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है? अरुणाचल, अरुणाचल। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर सर हिंद नहर पंजाब में है, यमुना नहर दिल्ली में है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, या पूर्वी कोसी नहर बिहार में? सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल आप बहुत गंदे लग रहे थे। सर क्रोकोडाइल बनवाया, आ जाओ। वेरी गुड, चलो, तो वेरी गुड, तो सबसे लंबी आपकी, ठीक है, सिंचाई नहर जो है वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट शॉर्ट फॉर्म में CDRI, ठीक है, लोकेटेड? दिल्ली, बैंगलोर, मैड्रेस या फिर लखनऊ? तो CDRI आपकी कहां है? CDRI सर निपटा, सर को निपटा दे, सही है, निपटा दो, कलेश ही खत्म हो जाए रात की क्लास का। ठीक है, तो CDRI आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां लोकेटेड है? CDRI वेरी गुड, तो CDRI आपका कहां लोकेटेड? आपके अपने लखनऊ में, ठीक है। इसकी स्थापना, ठीक है, 1951 में, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट थिंग इज, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर? गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान? जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? नवाबों का शहर लखनऊ, 1951 बेटा, 91 में नहीं, अभी का थोड़ी है, काफी पुराना है, काफी पुराना है, आज मेरा नेट स्लो है। 6 का B। चलो, तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात से लग रही है, जम्मू कश्मीर से लग रही है, गुजरात से लग रही है, जम्मू कश्मीर से लग रही है, पंजाब से लग रही है, राजस्थान से लग रही है, यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा से नहीं लग रही, राजस्थान पंजाब से लग रही है,
ठीक है, हिमाचल से नहीं लग रही, यहाँ पे पंजाब राजस्थान जम्मू से लग रही है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो गुजरात जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान, ठीक है, इन सभी प्रांतों से आपकी सीमा लग रही है, किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात? हाँ, जीके क्वेश्चन के साइंस में जीके यूटी है। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन आपकी किस स्टेट से लग रही है? गुजरात से लग रही है। और सबसे छोटी तटीय रेखा, ठीक है, सबसे छोटी तटीय रेखा किससे लग रही है? सबसे छोटी तटीय रेखा किससे लग रही है? वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी गोवा। ठीक है, तो गोवा से लग रही है आपकी सबसे छोटी तटीय रेखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड? ठीक है, जो आपका शेरशाह सूरी मार्ग है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 22, नेशनल हाईवे नंबर 11, नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, तो शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग को हम किस हाईवे के नाम से जानते हैं? किसी के ससुराल से प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, जो कि आपकी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में भी जानी जाती है, यह है आपका नेशनल हाईवे नंबर 1। अच्छा, इस हाईवे को, ठीक है, यह हाईवे आपका, ठीक है, कौन से दो शहरों को जोड़ रहा है? साथ ही साथ सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? छोटा। ठीक है, तो कौन से दो शहरों को जोड़ता है? NH1, वेरी गुड, NH1 को कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, डिसेंट जी। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? दिल्ली से अटारी को जोड़ता है, जो कि आपका पाकिस्तान के लिए एंट्री देता है। ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश, अमृतसर टू दिल्ली। चलो, तो छोटा तो NH 474 है। ठीक है, वेरी गुड, सबसे छोटा NH 74A और सबसे बड़ा ठीक है, वेरी गुड, NH 44 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा राजमार्ग आपका NH 44 है, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, और आपका सबसे छोटा है, ठीक है, NH 47A। ठीक है, ये आपका केरल के अंदर एक विलिंगटन आइलैंड है, 5 किलोमीटर लंबा, साइड में निकल रहा है, उसे जोड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज, मिकिर हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मेघालय, असम, सिक्किम या झारखंड? तो मिकिर हिल्स कौन से राज्य में? मिकिर हिल्स, हाँ, NH 47 ही है, उल्टा लिख दिया मैंने, 74 लिख दिया। मिकिर हिल्स कौन से राज्य में? मिकिर हिल्स, ठीक है, मेघालय में, असम में है, सिक्किम में है या झारखंड में?
मेघालय 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 मेघालय। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है तो बेसिकली मिकेर हिल्स आपका एक ग्रुप ऑफ ठीक है पहाड़ है ठीक है पहाड़ियों का एक समूह है जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में पड़ता है। और ये आपका कहाँ लोकेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। सॉरी तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बी। नेक्स्ट थिंग इज कौन सा हॉर्मोन आपकी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है काइनेटिन, ए बी ए, जी ए थ्री या फिर इनमें से कोई भी नहीं। खांसी की पहाड़ियां है अब जा रहे रोटी बनाने, बाद में देख लेंगे। जी ठीक है तो कौन सा हार्मोन आपका बेसिकली प्लांट की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो देखो प्लांट की लंबाई, एक तो प्लांट यहां से बढ़ता है ऊपर से और एक प्लांट आपका यहां से बढ़ता है नीचे से, ठीक है इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है हाइट अगर आपको बेसिकली मेजर करनी है, ग्रोथ मेजर करनी है प्लांट में, तो ऑक्सोनोमीटर या क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है और ये जो हाइट के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है आपकी ऑक्सिन फैमिली के। ठीक है ऑक्सिन फैमिली के, ऑक्सिन फैमिली में कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ होते हैं कृत्रिम। ठीक है तो प्राकृतिक ऑक्सिन जो है वो है आपके आई ए ए इंडोलैसेटिक एसिड, आई बी ए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और आई पी ए इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है कृत्रिम ऑक्सिन में आते हैं एन ए ए नेप्थलीन एसेटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड और 2,4,5-T। ठीक है दैट इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड। 2,4-D और 2,4,5-T ये आपके खरपतवार नाशी भी है, वीडी साइड्स भी है। ठीक है खरपतवार नाशी, ये जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते, मोनोकॉट की ग्रोथ को प्रमोट करते। ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, डी जो कि ऑप्शन में है नहीं। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तब आंसर क्या होगा? सर नेट नहीं चल रहा, बाद में देख लियो। कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे में ऑक्सीजन की खोज करी थी? ममतू, राम राम। नहीं पता, डार्विन और फंकस। अच्छा कुरोसावा, बाप रे बाप। चलिए तो ऑक्सीजन की खोज जो है ठीक है डार्विन ने इसके बारे में आइडिया करा था। ठीक है डार्विन और इनके बेटे ने बेसिकली इसके बारे में आइडिया दिया था। डिस्कवरी जो है इसकी F.W. वेंट ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है कुरोसावा जो बता रहे हैं, कुरोसावा ने आपका जिब्रेलिन की खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट थिंग इज प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑक्सोनोमीटर क्रेस्कोग्राफ बोथ या फिर बेरोमीटर। सर आपकी क्लास मिलती क्यों नहीं आजकल, पता नहीं। अरे तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव क्या है, मतलब इसका प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है तो वो चीज तो आपके यूरिन के अंदर भी मिलती है।
चलो, तो प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, अभी बताया था ऑक्सीजनोमीटर क्रिस्कोग्राफ, दोनों से आप प्लांट की ग्रोथ माप सकते हो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, बी विल बी, सॉरी सी विल बी द राइट आंसर, दोनों से आप माप सकते हो बोथ। नेक्स्ट थिंग इज द न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी, नंदा देवी, अगस्त मलाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अरे रानी चौधरी, कुरोसावा बेटा, जिब्रेलिन में लगाना है, ऑक्सीजन में मत लगाओ, कहाँ ऑक्सीजन में घुसेड़ दे रही कुरोसावा को, याबुता सुमुकी कुरोसावा वो सब उधर है। ठीक है, फिर स्कूग और मिलर तुम्हारा कहाँ है, साइटोकाइन इनमें है। ठीक है, एडिकॉट है तुम्हारा उसमें, क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड में, और क्रोशेट है तुम्हारे इथिलीन में। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, आपका जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 2015 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है, वो आपका न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, 2020 में इसको यूनेस्को द्वारा प्रमाणित कर दिया गया था। ठीक है, खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम या कैल्शियम। ठीक है, चावल का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की, जस्ता की कमी से, बोरोन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से और कैल्शियम की कमी से। एक और बहुत स्पेशल डिजीज अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है, विफ्टोइल ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, गोभी का विपटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। 13th का ए, वेरी गुड, जिंक, जस्ता की कमी से। ठीक है, तो खैरा डिजीज आपकी किसकी कमी से होती है, जस्ता की कमी से होती है। विपटेल डिजीज किसकी कमी से होती है, ठीक है, विपटेल डिजीज, ठीक है, गोभी का विपटेल रोग किसकी कमी से होता है, करेला, नहीं। चलो, तो कभी भी ये पूछा जाए विपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, गोभी का विपटेल रोग, तो यहां पे आप लगा देना मोलिब डेनम की कमी से, ठीक है, एमओ की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेटिक चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, 9, 10, 15, 12। ठीक है, शुरुआत की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में कोई भी कंट्री नहीं आती CCPI में। ठीक है, किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो CCPI के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका भारत की रैंक क्या है, ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सर आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो रेस्ट करो बेटा, यहां क्या कर रहे हो, चलो आराम करो जाके। तो CCPI रैंक में भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी 10th रैंकिंग है, याद रखना, यहां कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कंट्री नहीं होती, फोर्थ फिफ्थ से चालू होती है, स्वीडन, यूके और डेनमार्क आपकी फोर्थ फिफ्थ पे है। नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट यूज फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता, कैस्टर का, ठीक है, आपका मलबरी शहतूत का, ओक का या फिर सागौन का। तो आपका बेसिकली, ठीक है, सेरी कल्चर के लिए, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर, सेरी कल्चर के लिए, ठीक है, रेशम कीट पालन के लिए कौन सा पौधा नहीं यूज किया जाता। ठीक है, देखिए, अगर आपको नॉर्मल रेशम, प्योर रेशम चाहिए तो आपको मलबरी यूज करना पड़ेगा, बट अगर आपको जंगली रेशम, कलरफुल रेशम चाहिए तो आप कैस्टर और ओक भी यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा एक सोन का प्लांट होता है वो भी यूज करते हो, ठीक है, असम में मुगा सिल्क के लिए। तो जो नहीं यूज होता वो नहीं यूज होता, डेट इज डी सागौन।
हाँ गुड नाइट, टेक केयर बेटा। तो सागौन का प्लांट नहीं यूज होता, वेरी गुड, डीप नहीं यूज होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग इज आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। विच ऑफ देम फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस या फिर सोलर एनर्जी। सर न्यू ग्लास है, अरे बेटा बहुत पुराने हो गए अब तो, न्यू आज देख रहे हो तुम। तो बताइए कौन सा आपका, ठीक है, इनमें से नवीनीकरण या फिर अक्षय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दैट इज कोल, देखिए ये खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैसेस भी खत्म हो जाएगी, कायदे से तो सोलर एनर्जी भी, सूरज भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूरज से आने वाला, सूर्य क्या है, एक स्टार है, हर स्टार की भी अपनी एक लाइफ होती है, वो भी खत्म होके आपके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, बट इसमें बिलियन ईयर्स लगेंगे, तब तक तो पता भी नहीं है धरती बचेगी कि नहीं, ठीक है। तब तक हमें ये भी नहीं पता कि ये जो आज सोलर सिस्टम ही रहेगा कि नहीं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। नेक्स्ट थिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ आइरेना इज सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, अबू धाबी, ठीक है। आइरेना का मुख्यालय कहाँ है? अबे लेंस कार्ड पे सस्ते हैं, ठीक है, दो लोग हैं सस्ते पड़ेंगे। तो बताइए, ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ आइरेना इज, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, गुरुग्राम, वेरी गुड। क्लास की टाइमिंग बेटा 9 बजे। चलो तो देखो आइरेना, ठीक है, आइरेना पूछा गया है, तुम हर बार यही गलती करते हो, तुम आईएसए को आइरेना समझ लेते हो, ठीक है। ये क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी अलायंस, ठीक है। ये क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस या एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, इसका आपका अबू धाबी में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, डी अबू धाबी। गुरुग्राम लगाने वालों, गुरु में ग्राम हो जाओगे। आइरेना और आईएसए दोनों अलग अलग है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के एसोसिएशन है, ये सोलर अलायंस है, सौर गठबंधन, ठीक है। तो आईएसए पूछे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पूछे, तब आप गुरुग्राम लगाइए, ठीक है। आइरेना पूछे, ठीक है, तो आप लगाइए क्या? अबू धाबी, ठीक है। तो 17th का डी। नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन कौन से कलर की लाइट में होता है? ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ब्लू येलो। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन कौन से कलर की लाइट में होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन आपकी दो कलर की लाइट में निकलती है, एक ब्लू में, एक रेड में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इन्हीं दो लाइट में आपकी चलती है, रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट थिंग इज आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश बाय, ठीक है, हमारी आम भविष्य की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी? आईएमएफ, यूएनएफसीसीसी, डब्ल्यूसीईडी या फिर आईयूसीएन। तो आर कॉमन फ्यूचर, हमारा संयुक्त भविष्य, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी गई थी? 19th का बी, वेरी गुड, यूएनएफसीसीसी द्वारा, आईयूसीएन द्वारा, ठीक है। चलिए तो हमारा संयुक्त भविष्य, ये जो रिपोर्ट है ये आपकी रही थी किसमें? ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के द्वारा अंदर दी गई थी, ठीक है। और ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट आपका किस कमीशन ने दिया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सी, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज इफ द वैल्यू ऑफ बीओडी इज हाई देन
वॉटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, वॉटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, बोथ या फिर न? बी या डी है, थोड़ा कंफ्यूज हूं। नहीं, सी है बेटा, ना बी है ना डी है, ठीक है, फर्जी बातें मत करो। बी या डी है, थोड़ा कंफ्यूज हूं। आर कॉमन फ्यूचर 1989 में ब्रेटलैंड कमीशन ने दी थी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट बोला गया, और ये इसके लिए WCED हुई थी। चलिए, तो अगर आपकी बीओडी वैल्यूज हाई आ रही है, ठीक है, इफ बीओडी वैल्यूज, देखिए जो आपका WHO स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। बट आपका लेटेस्ट, सपोज आपका जब बीओडी टेस्ट लगाया गया ये रीडिंग आ रही थी 8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, WHO ने जो माना है, ठीक है, आपकी आ रही है क्या 8 मिलीग्राम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पानी आपका पीने योग्य नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आयरन? तो भूपर्पटी में कौन सा तत्व, जो कल हमने वायुमंडल में लगा दिया था, जिसकी जगह कल हमने क्या लगा दिया था, गलती से ऑक्सीजन लगा दिया था, फिर बाद में सही भी किया, ठीक है, तो भूपर्पटी में आपका सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, सीरीज याद रखे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, ठीक है, तो सबसे तत्व जो मिलता है दैट इज आपका ऑक्सीजन, ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूटी इज द लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू द इंडिया 211 सेंसस, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? तो बताइए, लक्षद्वीप, लक्ष्य, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने फिर जाना, जल्दी बताओ, चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 22nd का बी, चलिए, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, लक्षद्वीप, ठीक है। अगर लक्षद्वीप, मतलब ऐसे तो अगर आपका देखा जाए कायदे से, लीस्ट पॉपुलस जो था वो अंडमान और निकोबार आइलैंड था, ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो है लक्षद्वीप, बट अंडमान एंड निकोबार आपका नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, कौन सा गाना गा रहे हैं, हाँ यही रास्ता, लक्षद्वीप, हिंट दी थी ना, हाँ यही रे रास्ता है तेरा, तूने फिर जाना, लक्ष्य मूवी का सॉन्ग है ना। चलिए, द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच डे एंड नाइट आर ऑलवेज रिमेन सेम, क्या होगा, इक्वेटर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, या हिंज लाइन होगा? गुड इवनिंग, चलिए, तो दिन और रात समान होते हैं, कहां होते हैं ये, ठीक है, भूमध्य रेखा पे होते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, 15 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट थिंग इज, विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया,
भारत में पहली पनबिजली परियोजना कौन सी थी? पलिवासल केरला में, पईकरा तमिलनाडु में, निजामनगर आंध्र प्रदेश में, या सेवासमुद्रम कर्नाटक में? ठीक है, तो भारत का पहला, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो उत्तर पूर्वी, ठीक है, ध्यान से करना, उत्तर पूर्वी लगा रहे, ठीक है बेटा, उमा शुक्ला स्पेशली यू, वरना तुम कहोगे आप ही नहीं बताया था, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी लगा रहे। उस दिन अपन ने क्या लगाया था? उत्तर पश्चिम, ठीक है, उस दिन अपन ने उत्तर पश्चिम लगाया था, आज अपन को उत्तर पूर्वी रेलवे का क्या बताना है? मुख्यालय बताना है। अरे बैटरी चली गई भैया, भोपू हमने नहीं बंद किया, बैटरी, बैटरी नाम की भी चीज होती है, ठीक है। गोरखपुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गोरखपुर में डाल दो तुम। चलिए ठीक है, तो उत्तर पूर्वी रेलवे का आपका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी। अबे पूरब, पूरब मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ भेजोगे? गुवाहाटी, ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी गुवाहाटी। नेक्स्ट थिंग इज, अमंग द फॉलोइंग स्टेट वेयर इज सांबर लेक लोकेटेड? ठीक है, सांबर झील कहाँ स्थित है, जो कि आपकी, ठीक है, इनलैंड जमीन पर, ठीक है, जमीन पर आपका सबसे ज्यादा लवणीय झील मानी जाती है, ठीक है, पूरे भारत की। ऑफशोर तटीय आपकी चिल्का को माना जाता है, एशिया में सबसे ज्यादा चिल्का को माना जाता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में आपकी लोकेटेड है कौन सी? सांबर झील। नेक्स्ट थिंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? कोल्लम जंक्शन, खड़गपुर, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन के पास भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? कोल्लम जंक्शन खड़गपुर का, बिलासपुर का रेलवे स्टेशन, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी गोरखपुर, ठीक है। गुरुजी कुछ तड़कता वड़कता खा सुना दो, मिर्ची खा ले हैं, चार लाल मिर्च भुरक लेते हैं मुंह में, सब कुछ तड़कता वड़कता निकलेगा, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज, द हाईएस्ट आल्टीट्यूड, ठीक है,
जिसकी ऊंचाई 4411 मीटर अबव द सी लेवल इज ऑफ बांगड़ा एयरपोर्ट तिब्बत, हैथ्रो एयरपोर्ट यूके, डाउचिंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना, या फिर काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल। उच्चतम ऊंचाई समुद्र तल से, मेरा मंडल गोरखपुर का आज पूछा गया था राजस्थान पर सवाल, बताओ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला एयरपोर्ट आपका कौन सा है? दैट इज जाचुंग यादिंग एयरपोर्ट चीन का। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज, इनमें से कौन सा आपका, ठीक है, तेल का क्षेत्र मौजूद नहीं है असम में? लखीमपुर, नहारकटिया, डिब्रूगढ़ या फिर मंगला? ठीक है, तो बताओ। अरे सुनील शेट्टी की आवाज निकाल दो, यहां गर्मी से प्राण निकले जा रहे। तुम कह रहे हो सुनील शेट्टी की आवाज निकाल दो, थोड़ी देर में सर चटके हुए दिखे देंगे। इतनी गर्मी हो रही है स्टूडियो में, एसी काम नहीं कर रहा ना पंखा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई है। चलो, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड। अबे लखीमपुर, ये तुम्हारे यूपी का लखीमपुर नहीं है, वहां पे भी लखीमपुर है, लखीमपुर ऑयल फील्ड्स। मंगला, मंगला इज नॉट प्रेजेंट इन असम। नेक्स्ट थिंग इज, पहला सोलर पावर एयरपोर्ट इंडिया में कहां बनाया गया था? चेन्नई, गोवा, मुंबई या कोच्ची? ठीक है, तो पहला सोलर पावर, एसी नहीं है स्टूडियो में, है बट इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉब्लम हुई है, उससे बहुत ज्यादा मतलब सफोकेशन टाइप का, फिर भी क्लास चल रही तुम्हारी, ठीक है, उमस टाइप की हो रखी, कैसे बैठा हुआ है बेचारा ये भी मशीन के पास, दूर बैठ ले भाई। चलो, तो पहला आपका सोलर पावर एयरपोर्ट कहाँ है? ठीक है, भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। ठीक है, तो कहां है? आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वेरी गुड, कोच्चि एयरपोर्ट में। ठीक है, तो कोच्चि एयरपोर्ट आपका, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट थिंग इज, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जल्दी बताए, तभी तो तुम्हारी क्लास फुर्ती में चला रहा हूं। अभी लग रहा है थर्टी फर्स्ट का सी, वाइज़े विशाखापत्तनम नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट, एक मिनट, अच्छा ये वापस से कर रहे हैं क्या? अच्छा ये नहीं किया था क्या? सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई का है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFRI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IFRI लोकेटेड? ठीक है, दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या गाजियाबाद? ठीक है, तो IFRI कहां लोकेटेड है? सर आप सनी लियोन की आवाज निकालिए, सनी लियोन की, और बता भैया, ओम्फू चाचा की भी निकाल दू। चलो, वेरी गुड, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, भारत में IFRI जो है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहां लोकेटेड है? देहरादून में। ठीक है, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट थिंग इज, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? टीजी टीजी पीजीटी की फीस बताइए, एक बार डेमो तो हो जाने दो उसका। सर ये ओम्फो क्या है? ओम्फो सर्च कर लेना ओम्फो के नाम से, यूट्यूब पर पता लग जाएगा ओम्फो क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इन विच स्टेट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट लोकेटेड? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में, शॉर्ट में आप इसे निफ्टेम के नाम से जानते हो, निफ्टेम। बी बी बी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका कहां लोकेटेड है? हरियाणा सोनीपत में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इन विच स्टेट इज मणिकर्ण हॉट वाटर सोर्स लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? तो मणिकर्ण आपका बेसिकली कहां है? ठीक है, मणिकर्ण आपका बेसिकली कहां है? ठीक है, आपका मणिकर्ण आपका कहां है? मणिकर्ण और टटापनी। ठीक है, तो वेरी गुड, मणिकर्ण आपका कहां लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। तो ए विल बी द राइट आंसर। द स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। ठीक है, तो ओडिशा आपका सबसे ज्यादा क्या है? बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट एज वेल एज आयरन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द सुरती इज ए ब्रीड ऑफ विच एनिमल? सुरती किस जानवर की नस्ल है? सुरती इज ए ब्रीड ऑफ विच एनिमल? आइसक्रीम खा लीजिए, थोड़ी देर बाद बेटा मैं ही पिघला मिलूंगा। आज सारे सीटेट के क्वेश्चन है। अच्छा जी, ठीक है, तो सुरती इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो। आज सही इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कर चुके हो ये। ठीक है, द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो इन कंसीडर टर्म्स ऑफ मिल्क इज? मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या सुरती? जल्दी बताए। ठीक है, तो बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो इज कंसीडर इन टर्म्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मुर्रा। मुर्रा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज विच ब्रीड ऑफ शील्प प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ देम? भेड़ की कौन सी नस्ल उनमें से सबसे अच्छी आपकी ऊन प्रोवाइड करती है, बताइए। सर जी भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश, रायसेन में, रायसेन जिले में भीमबेटका। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सी ऊन है इनमें से? चोकला, पश्मीना, मेरिनो, अंगोरा? पश्मीना नहीं, सबसे बढ़िया इन सभी में जो ऊन है वो है मेरिनो।
ठीक है, सबसे बढ़िया ऊन इन सभी में कौन सी है? मैरी नो, पश्मीना नहीं, ठीक है, भारत में सबसे बढ़िया आपकी पश्मीना, भारत में सबसे बड़ी पश्मीना है। चलिए तो इतने ही रखते हैं आज के क्वेश्चन, मेरे को लग नहीं रहा इतनी गर्मी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल, टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।